अधिकारी अब बदलने की घोषणा कर दी है। अब आपका चैनल, आपके चैनल में कोई उत्तराधिकारी आ जाएगा, उत्तराधिकारी उसकी क्या है, वो तो चैनल तो चलेगा ना। हमें उम्मीद है कि बीजेपी से दूरी बनी रहेगी उनकी। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, किस तरह की 24 की तैयारियां हैं, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद? 24 की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और सवाल वैसे के वैसे हैं। आप यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने आए हैं। आसपास सब किसान रहते हैं, जो हम लोग आप लोग बैठे दिख रहे हैं, सब किसान हैं। बीजेपी वाले बताएं कि आय दोगुनी हो गई, क्या धान खरीदा गया? यहीं पास में 100 एकड़ में लगभग मंडी बन रही थी, जितना समाजवादियों ने बनाई उतनी ही बनी, उसके बाद मंडी नहीं बनी। सुना है यहाँ पर जमीन चिन्हित की जा रही है, नोटिफिकेशन हो रहा है कि कोई इंडस्ट्रियल हब बनेगा। अरे बीजेपी वालों, कब झूठ बोलना बंद करोगे? आपने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, टैंक बनेंगे, बम बनेंगे। अभी तक बुंदेलखंड में एक सुतली बम नहीं बना पाए बीजेपी के लोग। तो डिफेंस एक्सपो के नाम पे एमओयू किए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हालांकि मुख्यमंत्री जी का एक डायलॉग बहुत लोकप्रिय है, 46 में 56, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। आखिरकार जमीन पर कितना पहुंचा है, और अगर जमीन पर पहुंचा है तो कितने लोगों को नौकरी और कितने लोगों को रोजगार मिला है उस एमओयू के माध्यम से? सुनने में तो ये आ रहा है कि एमओयू जिन्होंने किए थे उन्हें अधिकारी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद एसटीएफ ढूंढे, क्योंकि वो मिलने वाले नहीं है। एमओयू तो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो भाग गए, अब छोड़ के चले गए उद्योगपति। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो प्रदेश सरकार ये कह रही थी कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, इन्वेस्टमेंट आएगा, आखिरकार इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? और फिर इन्वेस्टमेंट इटावा में क्यों आएगा? हमें तो इटावा देखना है। मान लीजिए अगर आप हम सब लोग इटावा, मैनपुरी के आसपास के लोग हैं, बताइए अगर कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया हो। और फिर सरकार क्या कहती है, हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। जिस सरकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो, 60 से लेकर के 70% पैसा न खर्च कर पा रहे हो, गड्ढे न भर पा रहे हो, गरीब को अस्पताल में इलाज न दे पा रहे हो, वो क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप 70% पैसे नहीं खर्च कर पा रहे, तो आपकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? और फिर नौकरी बता रहे, हमने नौकरी दे दी। कहाँ नौकरी दे दी? कह रहे हैं घर घर नल। अरे उन्हें देखना चाहिए, जब नल लगाने जाओगे तो घर घर बेरोजगार बैठा है, वो बेरोजगार आपसे रोजगार मांगेगा। घर घर नल तो ठीक है, लेकिन घर घर बेरोजगार भी बैठे हैं। उन घर घर बैठे हुए बेरोजगारों के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? और हम और आप सब इटावा के लोग हैं, लाइन सफाई की दुर्दशा पे भी कुछ बोलिए। जानवर एक के बाद एक मर रहा है, शेर मर गया, ये मर गया, एंटीलोप्स मर गए, डियर मर गया। कितने मारेंगे ये लोग जानवर?